नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीम में। रूस यूक्रेन विवाद लगातार जारी है, वहीं आज तीसरा दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव में हाई राइज बिल्डिंग पर मिसाइली हमला हुआ है, निशाना शायद एयरपोर्ट बताया जा रहा है। जिस तरह से लगातार रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी एक वीडियो भी जारी किया कि हम यूक्रेन छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने अमेरिका से मदद भी मांगी है, उन्होंने अमेरिका से हथियार मांगे हैं। इस बीच की बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि अब राष्ट्रपति खुद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मैदान में है। अब देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ कि बमबारी से यूक्रेन की राजधानी कीव दहल चुकी है। मैदान में उतरे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जेलेंस्की खुद मैदान में उतर चुके हैं। वही रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज तीसरा दिन है। बमबारी से यूक्रेन की राजधानी कीव दहल चुकी है, लगातार रूस की तरफ से हमला किया जा रहा है। इस बीच सेना में जोश भरने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद मैदान में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यूक्रेन की तबाही का मंजर, किस तरह से धीरे धीरे करके रूस द्वारा एक एक बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है, लोग इसमें घायल भी हो रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ा यह भी मुद्दा है कि जो भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको किस तरह से निकाला जाए। कुछ भारतीयों को निकाले जाने की भी खबर सामने आ रही है। तो इस बीच बमबारी से यूक्रेन की राजधानी कीव पूरी तरह से दहल चुकी है और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद राष्ट्रपति मैदान में है। वो अपनी सेना को कहीं से भी कमजोर पड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में हाई राइज बिल्डिंग पर मिसाइली हमला भी किया गया है, निशाना शायद एयरपोर्ट बताया जा रहा है। तो इस तरह की दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, बेहद ही आक्रामक हो रहे हैं रूस यूक्रेन पर, क्या कुछ और अपडेट आ रहे हैं इस हमले को लेकर? जी, तो इसलिए अगर बात करें तो रशिया और यूक्रेन के बीच जंग का आज तीसरा दिन है और वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया गया है, जिसमें कई जो बड़ी इमारतें हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। और जो कीव है वो यूक्रेन की राजधानी होती है और इस धमाके से कई रिहायशी इलाकों में बड़ा नुकसान हुआ है। और इसके पहले जो रूस के जो मोटिलिपा शहर है वहां पे कब्जा किया गया रशिया की तरफ से और वो रशिया का बॉर्डर पड़ता है। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि हम 3,500 रूसी सैनिकों को मार गिरा है, साथ ही दो उनके टैंक को भी ध्वस्त किया गया है और साथ ही साथ 14 लड़ाकू विमान और 8 हेलीकॉप्टर को भी मिसाइल से मार गिराने की बात कही जा रही है यूक्रेन ने की तरफ से। और वहीं अगर हालत को देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका से यूक्रेन ने आर्थिक मदद मांगी है, साथ ही साथ $600 मिलियन की जो सुरक्षा सहायता है उस पर अमेरिका ने सहायता देने का ऐलान भी किया है और स्वीकृति भी कर दिया गया है। और इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की तरफ से रूस के खिलाफ कड़ी निंदा का प्रस्ताव जाहिर किया गया जिसमें साफ तौर पे मैं आपको रोका हूँ, जिस तरह से सारे देश सिर्फ सहानुभूति दे रहे हैं, बातें कह रहे हैं कि रूस पे रोक लगा देंगे, आर्थिक रोक लगा देंगे, तमाम रोक लगा देंगे, इस बीच आज तबाही का तीसरा दिन है और जो भयावह तस्वीरें लगातार यूक्रेन से सामने आ रही हैं, क्या कुछ जल्दी से एक्शन लेना चाहिए अदर देशों को, वरना यूक्रेन को तबाह होने में शायद बहुत और वक्त नहीं लगने वाला है, इस पे क्या कहना है? जी, इसी सब चीजों पे को देखते हुए, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद जो है उनकी तरफ से एक निंदा प्रस्ताव जारी किया गया। उसमें लगभग आपके 13 देश सम्मिलित होते हैं, तो 13 देशों में से 11 जो है वो यूक्रेन के पक्ष में जाते हैं और 2 रशिया के पक्ष में। वही आपको बताना चाहेंगे कि भारत, चीन और UAE ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है और जो रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इस जो निंदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वही आपको बता दें कि पोलैंड और लिथुआनिया और जर्मनी आज रूस से जुड़े जो भी व्यावसायिक संबंध है उनको तोड़ने की बात कही जा रही है। वही आपको बताना चाहेंगे कि यूक्रेन को एक तरफा रूस की तरफ से धमकी दिया जा रहा है, जिसमें रूस का जो प्रमुख हथियारों में से एक जो फादर ऑफ ऑल बॉम्ब
इस्तेमाल करने की बात की गई है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की जो आविष्कार है उसको 2007 में किया गया था, और अगर इसको यूक्रेन के अंदर में उपयोग में लाया जाएगा तो एक सुपरसोनिक लहर उठती है और ये अपने टारगेट को आसानी से भाप लेती है, और इसके रेडिएशन से जो आम जनमानस है जो शेल्टर हाउस में नहीं है या जो पशु पक्षी या जानवर सड़क पे हैं उनको भी खतरा होगा। वहीं अगर बात करें भारत की, तो अगर भारत और यूक्रेन और रशिया के इस तनाव के और युद्ध के बीच में भारत को भी खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं जो व्यावसायिक विशेषज्ञ इन सब चीजों को देखते हुए कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं पेट्रोल के से जुड़े जो भी प्राकृतिक गैस के उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, और लोहा स्टील प्लास्टिक में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्रिप्टो करेंसी में रुपए भी इससे गिरावट में आ सकता है। जी विभांशु, ये तो बात व्यावसायिक हो गई। अगर बात किया जाए तो अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो खुद सेना के साथ अब मैदान में है, तो किस तरह का भयावह माहौल बन रहा है ये इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है। जब राष्ट्रपति खुद अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मैदान में हो, इससे हटके अगर एक बात की जाए तो जो भारतीय फंसे हुए यूक्रेन में विभांशु, प्रक्रिया चालू भी हो गई है, जयशंकर प्रसाद का भी अभी बयान आया कि वहां से निकाले जा रहे, तो कितना वक्त कुल लग जाएगा वहां से भारतीयों को निकालने को? क्योंकि अभी जो मिसाइल अटैक हुआ, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एयरपोर्ट को ध्वस्त करने की कोशिश की गई है, तो इस तरह में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा भारतीयों को वहां से निकालने में भारत सरकार के लिए? जी, जो भारतीय दूतावास यूक्रेन के अंदर में है उनकी तरफ से साफ तौर पर छात्रों को कहा गया है कि आप सहनशीलता बनाते हुए अपने मनोबल को और मानसिक रूप से मजबूत रहिए और पूरे साहस के साथ जो भी परिस्थितियां हैं उनको झेलिए, और जल्द ही भारत की तरफ से सभी बच्चों को वापस लाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश को बच्चों को छात्रों को पोलैंड और हंगरी रोमानिया के होकर जो बॉर्डर के देश है उन सब बॉर्डर वहां से बस के माध्यम से आसपास के पड़ोसी मुल्कों में भेजा जाएगा, फिर उन्हें वहां से फ्लाइट देकर इंडिया के अंदर में लाने की बात कही जा रही है। वहीं जो इंडियन एम्बेसी है वो उत्तर प्रदेश के छात्रों से ये कही है कि आप अपने मनोबल को मानसिक रूप से मजबूत करें, क्योंकि हो सकता है आपको कई किलोमीटर पैदल भी चलना पड़े, अगर बस या फिर ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई तो भारतीय छात्र पैदल भी जो पास के पड़ोसी मुल्क है वहां जाकर वहां से फ्लाइट ले सकते हैं। और वहीं कल इसको लेकर मीटिंग भी की गई थी मगर अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि देश से लाखों बच्चे यूक्रेन के अंदर में MBBS और बिजनेस की पढ़ाई हेतु वहां जाते हैं, मगर अब तक साफ नहीं हो पाया है कि कब तक उनको सेफली इंडिया के अंदर में डिपोर्ट किया जाएगा। जी दिन प्रतिदिन ये और भयावह होता जा रहा है, रूस जो है वो लगातार यूक्रेन पे हमला कर रहा है। इस बीच में भांशु, इंग्लैंड से बोरिस जॉनसन ने एक बयान जारी किया, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रूस को पूरे सारे देश मिलकर रोकने की कोशिश नहीं की तो शायद चाइना ताइवान पे हमले कर सकता है, तो क्या ये संकेत है विश्व युद्ध का? अगर चाइना ताइवान को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है, जिस तरह से रूस चाहता है कि यूक्रेन उसका सैटेलाइट देश ही रहे, अगर यह शुरुआत होता है तो क्या यह विश्व युद्ध का संकेत है? जी, ये कहना सार्थक नहीं होगा कि ये विश्व युद्ध की तरफ, ये जो दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये विश्व युद्ध की तरफ जाएगा। अभी अगर बात की जाए तो जिस तरह से जॉनसन का ऐसा बयान आया है इंग्लैंड से कि अगर हम सारे देश हस्तक्षेप नहीं करेंगे रूस पे कि रूस यूक्रेन पे हमले रोक दे तो चाइना का भी मनोबल बढ़ जाएगा और वो ताइवान पे शायद अटैक कर सकता है अपने पाले में लेने के लिए, अपने में शामिल करने के लिए, तो शायद विश्व युद्ध की ऐसी हालात बने, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है विभांशु? जी, अगर बात करें तो इन सब चीजों को लेकर जो बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के प्रधान राष्ट्रपति है उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हाल ही में चाइना की तरफ से हांगकांग को अपने सीमा क्षेत्र में लेकर अपने देश का हिस्सा बताया जा रहा है, वहीं जो हांगकांग की जनता है वो आज भी नहीं मान रही है। और वहीं अगर बात करें तो भारत के सीमा क्षेत्र के अरुणाचल के कई गांवों पे भी चीन की निगाहें हैं,
तो अगर इन सब रशिया के इस कारनामे को देखकर चीन का भी मनोबल बढ़ सकता है और वो भी इन सब रास्तों पे आ सकता है। वहीं अगर यूक्रेन के प्रधानमंत्री के पिछले सवाल की बात करें, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है, माफ करिएगा, राष्ट्रपति है, उनकी तरफ से सेना के जवानों का जो 20 घंटे जग कर वो उनकी तरफ से बयान आया है कि बस 4 घंटे खड़ा होकर या बैठ कर ही सो रहा हूँ, तो उसमें साफ तौर पर सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं और उनके इस जो कारनामे जो वो सेना के वर्दी को पहनकर और सड़कों पर उतर रहे हैं, जिससे साफ तौर पे जो वहां की जनता है वो भी अपने छतों से बंदूक लेकर और हर एक देश के लिए हर एक मुमकिन प्रयास को कर रही है कि हम स्थानाभूत कर सके। और अगर वापस आए बोरिस जॉनसन पे, तो जॉनसन की बात सही है कि रशिया चाइना की तो दोनों एक तरह से जो धीरे धीरे बूस्ट करने वाले देशों में से एक है, तो रशिया मनोबल बढ़ सकता है और फैसले ले सकता है, तो वो सभी देशों से एक निवेदन भी कर रहा है कि सब चीजों को रोकना चाहिए, पीस एंड साइलेंस को बढ़ावा देना चाहिए, शांति का प्रतीक के प्रति सबको दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहिए, जिससे जो सीमाएं हैं उसमें ही रहे। जी जी विभांशु, जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार भयावह होते जा रही है तस्वीरें, जिस तरह से आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं सामने आई। इस बीच जेलेंस्की राष्ट्रपति जिस तरह से अब खुद मैदान में आ चुके हैं अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ के सामने आता है कि भारत किस तरह से अपने छात्रों को जो वहां पे बिजनेस करने गए उनको किस तरह से निकालते, क्योंकि जिस तरह से आज तीसरा दिन भी और रूस लगातार हमले कर रहा है तो वहां पे लोगों का मनोबल भी घटता जा रहा है। भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, उनके परिजनों का लगातार अपनी सरकार से अपील है कि उनको वापस लाया जाए। बोरिस जॉनसन का बयान इसमें लगातार आ रहा है, जिस तरह से हमले हो रहे हैं लगातार सबके मनोबल घटते जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल अब यह आता है और सबसे बड़ी अपील परिजनों की भारत सरकार से है कि किस तरह से वहां से लोगों को बाहर निकाला जाए। हमारी नजर बनी हुई है रूस और यूक्रेन पर, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस